बताने के लिए तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। अभी जो क्वेश्चन कौन पूछेगा, जो बंदा लॉस कर रहा है ना वो ही पूछेगा, तो उसमें सही आंसर। Mr. Sales for meeting the legend, the angry young man of option stating Mr. Mitesh Patel. Mr. Sales for meeting the legend, the angry young man of option stating Mr. Mitesh Patel. Good morning, all. Good morning. Gujarati ka pati Hindi. Gujarati ka pati Hindi. Gujarati mein maja aave na. બીજા શીખી ના જવા જોઈએ. ચલો હિન્દી મેં કરતો હું, ક્યુકી લાઈવ ભી દેખ રહે બહુત લોગ. દેખો વૈસે તો મેને બહુત બતા દિયા હૈ, મેરે એક એફક્યુએફ હૈ ઓર એક જૈનમ વાલા વિડિયો હૈ. મોર દેન જો મેં 80% ટ્રેડિંગ કરતા, જો ટ્રેડિંગ કરતા હું ઉસકા 80% કન્ટેન્ટ ઉસમે હૈ, ફિર ભી લોગ મુજે બોલ રહે હૈ કી ટ્રેડિંગ કબ કરોગે. અભી ये यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछो, मैं उसके आंसर दूंगा, क्योंकि बताने के लिए तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है. अभी जो क्वेश्चन कौन पूछेगा, जो बंदा लॉस कर रहा है ना वो ही पूछेगा, तो उसमें सही आंसर. अभी वो भाई का हमको बोल देते हैं पहले कि लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप क्यों हो, शॉर्ट क्यों हो, बराबर. अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो बंदे कुश्ती लड़ रहे हैं बराबर, इनाम किसको मिलता है? ठीक है उसको. तो अभी रेट ऊपर जा रहा है तो क्या बोलेंगे आप? लॉन्ग बिल्डअप. हाँ लॉन्ग मिल रहा है आंसर. सर तो शॉर्ट कवरिंग क्यों बोलते हैं? वही होल क्वेश्चन ये जीतन है ये राजा बराबर. भाव ऊपर जाए, भाव ऊपर जाए, ओपन इंटरेस्ट वधे. भाव क्या ऊपर जाए? ओपन इंटरेस्ट. हाँ ओपन इंटरेस्ट वधे, भाव ऊपर ना जाए. एक प्रश्न तो आपको कि एमा लॉन्ग बिल्डअप के भाई तो आमा केम शॉर्ट कवरिंग के भाई इसमें ओपन भाव ऊपर जाए ऊपर जाएगा तो काटने तो दौड़ेंगे ना. प्रेस पोजिशन एड भी हो रही है जो कट भी रही है, अगर ज्यादा कट रही है तो शॉर्ट कवरिंग में होगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है कि शॉर्ट काटने वाले बहुत है, जो काट रहा है उनकी पोजीशन कौन ले रहा है? लॉन्ग वाले, इसलिए आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा दिखेगा उसको. अगर स्टेग्नेंट है मार्केट, ऊपर जा रहा है और स्टार्टिंग ही हो रहा है, ऊपर बढ़ेगा बराबर, तो आपको उसमें प्रेस पोजिशन एड होती हुई दिखेगी क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना. इसमें तो बहुत पहले से ही शॉर्ट था, लोग शॉर्ट करके बैठे थे, सडन यूटर्न लेता है तब जाके शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड. आपका जो आप सोच ही नहीं सकते कि कब यूटर्न ले रहा है, यूटर्न लेने के बाद ही लोग पोजीशन काटेंगे ना, उसके पहले थोड़ी काट के बैठ जाएंगे प्रॉफिट बुक करके. मैं भी नहीं काटूंगा, एक बार तो मुझे भी लॉस होना ही है. और कुछ बोलो. Can we have another question? Could you speak louder, sir? हेलो सर, एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है सर मेरे साइड से. सर निफ्टी अभी जैसे 15,200 से अभी 17,500 तक आ गया, तो सर मेरे साथ में मतलब मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में ही है लगता है. तो सर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को सर मतलब साइकोलॉजी कैसे चेंज करें कि जो 15,200 से जो 17,500 तक आया उस चीज़ को अगर कैप्चर करना है तो सर वो कैसे करें? क्योंकि सर मैं तो मैं एफएनओ में स्टॉक में एफएनओ करता हूँ, तो सर मैं इस अप ट्रेंड में भी उसी स्टॉक को चूज करता हूँ जो डाउन ट्रेंड में मुझे दिखता है, तो उसमें सर मैं क्या करता हूँ आउट ऑफ द मनी जाके उनको बहुत दूर का जाके शॉर्ट कर देता हूँ. और उससे मतलब यहाँ पे सर थोड़ा बहुत ईज ये है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा भी डाउन टर्न आया तो या तो मैं उसको प्रीमियम कर जाता हूँ या मैं थोड़ा सा लॉस में निकल जाता हूँ, बट अगर मार्केट में कुछ अच्छा बड़ा डाउन ट्रेंड आया तो फिर मुझे प्रॉफिट होता है. तो सर ये स्ट्रेटेजी सही है या फिर आई मीन ट्रेंड के साथ में इसको बदलना चाहिए या फिर आई मीन इसमें सर
जो साइकोलॉजी है वो यही मेरा प्रॉब्लम है कि सर अगर ट्रेंड बदल रहा है और सडनली जैसे कि 2000 पॉइंट गया तो सर इसको कैसे कैप्चर किया जाए सर? अभी देखो आपने बोला कि मार्केट में अभी लॉन्ग टर्म डाउन चल रहा है ऐसा बोलते हैं बराबर, तो वैसा सोचो ही मत, डाउन लॉन्ग टर्म डाउन है और लॉन्ग टर्म अप है वो डिसाइड हम कौन है करने वाले हाँ। एक महीने में चेंज हो गया था ट्रेंड 2020 मार्च में 12,750 पता था किसी को हाँ, एक महीना ही डाउन ट्रेंड रहेगा किसी को पता था? लोग क्या सोचते कि 2008 की तरह पूरा एक साल रहेगा? मैंने भी वही सोचा था और इन्वेस्ट नहीं किया था हाँ, मैं भी रह गया बहुत सारे लोग होंगे कि जो रह गए होंगे, मैंने मेरा सिर्फ 5% कैपिटल अलॉट किया था इन्वेस्ट करने के लिए, बाकी का सोच रहा हूँ कि मैं अप्रैल में करूंगा, बाकी का मई में करूंगा, और क्या हुआ 2 महीने में बात खत्म। तो ये भूल जाओ कि लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है या लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। अभी आप बोले क्या मैं एपेंडोमेट्रेड करता हूँ ऐसा बोले ना, तो सिर्फ ट्रेडर की तरह सोचो, एक दिन में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा, 1 वीक में क्या होगा। अगर लॉन्ग इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर हो तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, फंडामेंटली जो भी अच्छे स्टॉक है लेके बैठ जाओ, कुछ होने वाला ही नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, TCS है, इंफोसिस है, रिलायंस है, M&M है, सब ऊपर ही जा रहे हैं ना गिरने के बाद भी, तो उसमें आपको ना लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड देखना है ना लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड देखना है, इन्वेस्ट करते जाओ उसमें। IDC भी देख लो, लोग 200 के पास का तब गाली दे रहे थे, अभी लोग वही बोल रहे कि मेरा रह गया अभी 300 पे आके बैठ गया ना, ये सब भूल जाओ। हाँ कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जैसे कि फंडामेंटल थोड़े अच्छे होने के बाद भी अगर उसमें से निकलना है, जैसे कि यस बैंक है आपका बराबर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, लेकिन न्यूज मिल ही जाता है ना आपको एडवांस में हाँ, या तो फिर कैंडल आपको बता देती है कि कैसा मतलब सडन फॉल आ जाता है 20-25% उसमें, तो समझ लेने का कि कुछ गड़बड़ एग्जिट हो जाओ। और साइकोलॉजी आप बोल रहे हो कि लॉन्ग, अभी क्या पूछा था आपने साइकोलॉजी में, आप ट्रेडर हो, मैक्सिमम अगर आप स्टॉप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो पूरा 1 महीने का ही देखोगे बराबर, ऑप्शन में अगर वीकली में कर रहे हो, इंडेक्स या स्टॉक में तो है नहीं, इंडेक्स तो 1 वीक का ही हमको सोचना है कि क्या होने वाला है, अगर मंथली में कर रहे हो तो आपको 1 महीने का ही सोचना है कि अभी मंथली अगर आप एटलीस्ट ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमारे हाथ में मार्केट मूव करने का है ही नहीं, जो लोग करते हैं उनके साथ चलते रहो। अभी क्या चल रहा है कि 15,200 से 17,200 आ गया बराबर, उसके पहले 15,200 से आया था 16,800, फिर 17,000 एक बार आया, फिर वापस गिरना चालू हुआ, फिर वापस 17,200 आके बैठ गया, तो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिल रहा है कि 16,200 पे ऐसे दिख रहा है अभी उस, अगर आप फार ओटीएम ऑप्शन सेल करते हो लॉन्ग मंथ वाले तो 15,200 आपको सपोर्ट मिल रहा है। अगर ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो जून का करते होंगे, जो दिसंबर का करते होंगे, तो उनके लिए 15,200 सपोर्ट है ना अभी निफ्टी में, तो वो लॉक वहां का पुट भी सेल कर सकते हैं एज ए ऑप्शन सेलर हो। तो देखो मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं आपको सिर्फ सेल की ही बात करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, बाय की बात ही नहीं करूंगा। या तो देखो फ्यूचर भी मैं नहीं खेलता हूं ज्यादा, अगर खेलता हूं ना तो ऑलमोस्ट मुझे उसमें फ्यूचर में उतना सक्सेस नहीं मिलता है, जैसे अभी किरण भाई ने बोला था कि 100 पॉइंट्स हम कैच कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग कर सकते हैं हाँ, 100 में से एक बंदा भी नहीं, एक ही बंदा कर पाएगा, 99 10 पॉइंट में निकल जाएंगे है ना, होता है ना ऐसा हाँ, किसी की ताकत नहीं है कि 500 पे लेके 1000 पे बेचे, वो किसकी ताकत है, ओनली इन्वेस्टर की, वो 500 से क्या 500 से 5000 भी राइड करेगा वो, अगर वो लॉन्ग टर्म मतलब वो भी कौन राइड करेगा, अगर उसका सैलरी 100 रुपए है और उसमें से 5 रुपए इन्वेस्ट करेगा ना तब ही जाके वो राइड कर पाएगा, अगर 100 में से 50 डाल देगा ना तो वो भी 500 में 600 आएगा ना निकल जाएगा। तो मतलब पैसा उतना ही डालने का इन्वेस्टमेंट में कि आप जितना एफोर्ड कर सको, अगर ये 0 हो गया ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म मूव कैच कर पाओगे। अगर एफएंडो में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी एक चार्ट ओपन करो एफएंडो का, डेली चार्ट डेली कोई भी कर दो कोई भी हाँ। अब ये देखो ये जो ये है ना, मैं ऊपर ले जाओ थोड़ा, चलो अगर वहां से ये जो आप सपोज समझ लो कि किसी ने लॉन्ग किया वहां पे हाँ, नीचे नीचे
नीचे जो सपोर्टर लॉन्ग किया समझ लो ये था वहां से लॉन्ग किया बराबर, फिर ऊपर कितना तक गया, बहुत गया ना, लेकिन वो बीच में जो आपको दो तीन रेड कैंडल दिख रहा है हाँ, वहां पे ही आपका एग्जिट हो जाता है होता है ना, हो ही जाता है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जिट कहाँ होता है। और टॉप तक कौन बैठा रहेगा, जिसने कैश में इन्वेस्ट किया है ना वो ही बैठा रहेगा, और अफोर्डेबल मनी। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि मैंने 500 से 1000 तक फ्यूचर होल्ड करके रखा है तो वो जीनियस ही होगा। हम तो ट्रेडर है कि हमको पता है कि अगर दो दिन रेड कैंडल दिखता है ना कि दूसरे दिन ऐसा ना हो कि साला एक बड़ा कैंडल आ जाए 10% वही अपना साइकोलॉजी रहता है बराबर। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम फ्यूचर में खेलते हैं, अपना पोजीशन साइज परफेक्ट नहीं रहता, तब जाके हमारे दिमाग में ये सोच आती है। अगर समझ लो इसमें आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए है और आपने 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बाय कर लिया है फ्यूचर में, आजकल तो 7-8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है एक लॉट का, उतने बढ़ा दिया है बराबर, 2 लॉट्स या 3 लॉट्स भी बाय कर लिया आपने तो सीधा 10 लाख पे अगर 20 लाख का वैल्यू बाय कर लिया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और दूसरे दिन अगर वो 5% भी नीचे जाएगा तो 20 लैक्स का 5% मतलब 1% उड़ेगा तो सीधा 10 लैक्स का 10%। उसमें अभी आपको रात को नींद भी नहीं आएगी कि इतना हो गया तो क्या होगा, क्यों नहीं आ रही है कि आपके पोजीशन साइज परफेक्ट नहीं है। इसलिए मेरा तो सजेशन यही रहता है कि जब तक आपके पास 1 crore रुपीज ना होना टोटल कैपिटल, फ्यूचर करने का ही नहीं, फ्यूचर में ट्रेड करने का ही नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग 5 लाख से भी होता है, 10 लाख से भी होता है, लेकिन उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर समझ लो कि आपने 1 crore कैपिटल है, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर कोई भी स्टॉक में बाय किया आपने, मान लो कि 2-3 रुपए का तो आप लोग स्टॉक रखते ही नहीं हो ना? अगर 500 का चल रहा है तो 495 है तो कोई निकलता नहीं है, 480 आएगा तब सोचेगा कि अब मैं निकल जाता हूं, ऐसा ही होता है ना, तब तक तो लॉस बड़ा हो जाता है। अगर 20 लाख पे 480 आएगा तो कितना ऑलमोस्ट कितना परसेंट जाएगा, 5-4% 80,000 जाएगा, तब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। 1 crore पे आपका 80,000 लॉस होता है, वो आप अफोर्ड कर सकते हो एज ए ट्रेडर, इसलिए मैं बोलता हूँ। क्योंकि कोई बंदा नहीं निकलता 495 पे भी नहीं निकलता, फिर वही सोचता है कि रिटर्न आ जाएगा 500 में, ऐसा ही होता है ना। इसलिए अगर हाईली टैलेंटेड है ना तो इंट्राडे में आप कर सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग, 5 लाख से भी क्या 10 लाख, 5 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल में मुझे नहीं पता कि दूसरे दिन क्या होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है कि मैंने ऑरोबिंदो फार्मा का कॉल शॉर्ट किया था, USFDA का कोई लेटर आया, दूसरे दिन 10% अपर सर्किट, खोलने के बाद 20% मेरा कैपिटल उसमें थोड़ा उड़ गया था, और दूसरे दिन बाद ऐसा न्यूज भी आया कि लेटर फेक था और नीचे भी आया। इसमें आपका क्या होगा अगर पोजीशन साइज परफेक्ट नहीं होगा तो उड़ गए ना, एक बार तो पैसा नहीं आने वाला ना। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना है, आपका पोजीशन साइज अगर परफेक्ट रहेगा ना तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक रहेगा। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि रात को नींद आनी चाहिए, कि SGX निफ्टी देखने की जरूरत भी ना पड़े ऐसी पोजीशन। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1 crore पे फ्यूचर खेलने को मना कर रहा है, ये तो पागल है, ऐसा भी सोच रहे होंगे। हाँ, इसको क्या आता है, मैं तो रोज खेलता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, ऐसा भी सोचते होंगे। अगर ऐसा सोचता होगा ना वो बंदा यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं होती शायद, अगर कोई है तो। हाँ, मैं नहीं मानता कि कोई होगा ऐसा। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ आप लोगों को ऐसा डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर से पैसा नहीं बनता है, ऐसा बन भी सकता है, लेकिन उसमें हाईली टैलेंट चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि आपको साइकोलॉजी भी डेवलप करना है फ्यूचर ट्रेडिंग में। जैसे मैंने बताया ना, ये 2 कैंडल में लोग एग्जिट हो जाते हैं, वो होता है कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, सब एग्जिट हो जाते हैं, होल्ड करने की ताकत ही नहीं है इसमें। क्योंकि इंट्राडे में भी स्टॉक लो मार के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन जो स्टॉक जो लो मारता है ना
और जहाँ पे आपको जो एम टू एम स्विंग देखते हैं ना, जो लॉसेस में वहां पे कोई नहीं खड़ा रहता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन बेचता हूँ। अगर समझ लो कि ये स्टॉक जो मैंने बाय करने यहाँ पे जो ऊपर जो ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं बराबर, लेकिन सपोर्ट कहाँ लिया नीचे दिख रहे हो ना अभी वो लास्ट और वाला हाँ नीचे, वो स्ट्राइक का मैं पुट सेल कर दूंगा बस, क्योंकि फ्यूचर लूंगा तो भी मैं 4-5 पॉइंट कैच करने वाला हूँ, ऑप्शन बेचूंगा तो भी मुझे 4-5 पॉइंट आने वाले, लेकिन वो शांति से आएंगे, आएंगे ना शांति से। अगर कोई बोलेगा कि ऑपोजिट गया तो क्या होगा, बराबर ऑपोजिट गया है तो जहां से ऑपोजिट होता है ऑपोजिट कब जाएगा अपना, अगर वो पूरा 2-3 कैंडल में एकदम नीचे आ गया कंफर्मेशन देगा ना कि टॉप नहीं जा रहा है, पुट काट के वहां से कॉल शॉर्ट कर दो। बार बार तो ऊपर नीचे नहीं करेगा ना, कहीं ना कहीं तो अपना पैसा वापस आ जाएगा लेकिन लॉस नहीं जाएगा, करके देखो ये। इसमें मिलेगा कम आपको, हाँ कि 10 लाख के कैपिटल पे 10,000 मिलेगा ऐसा मिलेगा, उसके लिए आपका दिमाग अलग चाहिए कि इतने पैसे मतलब आ रहे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतना कम पैसा आ रहेगा, फिर सोचोगे कि नहीं मुझे 10 लाख पे 10,000 क्या है? कौन बनाएगा ऐसा पैसे तो, हाँ क्या स्टॉक में मैंने तो बहुत सारे किए भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी रिसेंट एग्जांपल का बीएल का चलो, बीएल का निकालो रिसेंट एग्जांपल। ये बीएल देखो ब्रेकआउट दिया था 255 के ऊपर, हाँ अगर वहां पे अगर आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे दिन का कंफर्मेशन देखो, तीसरे में देखो एक कैंडल आ गए, कंफर्म होगा कि 255 के ब्रेकआउट होगा, थोड़ा 5 पॉइंट नीचे चले जाओ, 250 का पुट बेच के बैठ जाओ शांति से। अगर शांति से पैसा चाहिए तो देखो, इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि एक महीने में धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ऑप्शन में क्या होता है, अगर 4 रुपए का ऑप्शन बेचते हो ना रोज 20 पैसा 30 पैसा 50 पैसा ऐसे कम होता है, वो दूर वाला रहता है तो एटीएम मारोगे तो वो फ्यूचर के साथ थोड़ा जल्दी कम होता है, अगर 10 वाला रहेगा तो 6 आएगा 7 आएगा वो फ्यूचर अगर ऊपर गया तो। इसमें आप अगर शांति से, अगर जिसके पास पेशेंस है ना वही बंदा इसमें पैसा बना पाएगा, नहीं तो सब लोग फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते हैं कि ये तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। और फ्रस्ट्रेशन में क्यों निकलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाते हैं और दूसरे बड़े बड़े एमडीएम वाले स्क्रीनशॉट देखते हैं ना, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि मेरा नहीं बन रहा है लोगों का बन रहा है, और वो अपना प्रॉफिटेबल पोजीशन निकाल के दूसरे दिन करता है और दूसरे दिन लॉस हो जाता है। इसमें सक्सेसफुल ट्रेडर कितने हैं यहाँ पे सक्सेसफुल, मतलब देखो किसी के भी हाथ खड़े नहीं हो रहे, एक ही बंदा है दिख रहा है, और कोई है मतलब बहुत ही कम है, 2 या 3 लोगों के ही हाथ ऊपर हो रहे हैं। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मान जाने का भी हाँ, अपना दिमाग नहीं लगाने का अगर सक्सेसफुल बनना है तो। और मैं सर उस दिन तो खास फॉलो करता हूँ जिस दिन बड़े बड़े स्विंग हुए हैं, ट्रोल करने आ जाते हैं लोग कि हाँ चलो इनका तो, लेकिन मैं वो चीज देखता हूँ कि सब पता है बिल्कुल कैसे भी करके प्रॉफिट में आए होंगे, तो मैं वो चीज देखता हूँ कि कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि किसी एक्सपायरी में अगर आप बात करें सर और आप जिस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, मैं वो सोचता हूँ कि मेरे को मतलब मेरा विजन ही है, भाई हो ना हो वो पता नहीं, लेकिन मेरा विजन है कि मैं भी वही स्केल पे ऑपरेट करूंगा कुछ सालों में। तो सर आप जैसे कि इस एक्सपायरी की बात करें 36,800, 700, 600 के पुट्स जो थे 6-6 रुपए, 8-8 रुपए के 500 रुपीज हो गए सर। तो अगर आप सर मतलब अगर शॉर्ट करके इतना हैवी क्वांटिटी शॉर्ट करते हो तो सर उसको मतलब मैनेज कैसे करते हो सर, हैंडल कैसे करते हो सर?
टेस्टिंग का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करे थर्सडे का लास्ट का इंट्रा चार्ट अगर होता है पांच मिनट भी रहेगा चलेगा, 15 मिनट भी चलेगा, 15 मिनट रहेगा तो लास्ट टू डेज के करो, वेनसडे और थर्सडे। और थर्ड डेज का भी करो। पांच मिनट कर लो अभी, 5 मिनट। तीनों दिन साथ में रह सकते हैं ना। अभी बैंक निफ्टी में देखो लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 वीक से अप ट्रेंड ही रहता है, हाँ ऊपर ही जा रहा है। वेनसडे को भी हमको वेनसडे को अगर रेंज देखते हो तो शायद 37,800, हाँ और ये जो आप देख रहे हो ना 37,800, हाँ ये, और पीछे भी देखोगे तो 37,800 ऑलमोस्ट देख रहे हो। वहां से ही मल्टीपल विजिट करने के बाद भी रिवर्स हो रहा था। और थर्सडे के दिन क्या हो रहा था, अगर आप कोई बैंक निफ्टी में खेलता है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि जब बैंक निफ्टी फॉल हो रहा था ना तो निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव था वो टाइम पे, वो निफ्टी नेगेटिव नहीं हुआ था। अगर बैंक निफ्टी इतने दिनों से पॉजिटिव है और 37,800 मल्टीपल विजिट करने के बाद भी सेम थर्सडे वो सड़न नीचे आया, ऐसा नहीं कि स्लो मोशन में आया, बाकी के दिनों में देख लो स्लो स्लो मोशन में ऐसे आ रहा था, हाँ स्लो मोशन में आ रहा था, मतलब वो एटलीस्ट धीरे धीरे स्लो मोशन में अट्रैक्ट कर रहा है सेलर को, और दूसरे दिन कहाँ हुआ ऊपर ओपन। लेकिन अगर यहाँ बैक बैक इसमें जो आ गया वो सड़न ऐसे फटाफट आ गया, मतलब सोचने का मौका भी नहीं देता है। जब अगर किसी को फंसाना है ना, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर्स को, बड़े लोग सोचने का मौका नहीं देते, इतना याद रखना। ऐसे ही सड़न नीचे आ गया ना, मैंने सिर्फ 37 जैसे 800 आ गया, पुट ऑलरेडी एग्जिट मेरे सारे जो भी है वो, क्योंकि वो ट्यूसडे और वेनसडे का जो मल्टीपल सपोर्ट रह रहा है और थर्सडे के दिन वो विद इन 15 मिनट्स में विजिट कर लेता है 38,000 के बाद, हाँ क्योंकि सब लोग तो क्या सोचते हैं कि 38,000 आ रहा है मतलब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ऊपर का ही ट्रेंड चल रहा था ना, 38,200 से 38 आया तो लोग क्या सोचेंगे कि पुल बैक में आया होगा फिर वापस ऊपर चला जाएगा, वैसे ही सोच रही थी लोगों की। लेकिन अगर बाकी के मिनट्स में, अगले मिनट में अगर वो सड़न नीचे आ जाता है लास्ट टू डेज में विजिट कर रहा है और ये दिन एक्सपायरी का भी था तो पुट सेलर को फंसा सकते हैं इमीडिएट सडन नीचे लाके। अगर आपके है तो विदाउट इमोशन में आके एक बार एग्जिट कर लो, अगर रिवर्सल होना है वापस 38 आ गए तो वापस सेल कर दो पुट। लेकिन अगर नहीं करें ना, आपको उसमें 20-25 पॉइंट कम मिलेंगे, वो चलेगा, कम मिलेगा वो, लेकिन वो जाएगा ना वो नहीं चलेगा, क्योंकि 37,800 आप देख रहे हो चार्ट पे, अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ होप बेस पे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा ही होगा। मैंने यहाँ पे सारे पुट्स निकाल दिए थे, उसके बाद जब नीचे गया 288 फ्यूचर से रिवर्स हुआ, वो 500 आया, 550 फ्यूचर आ गया, ऑलमोस्ट 600 भी आ गया था बराबर, फिर 600 के पास घूम रहा था फ्यूचर। अगर बॉटम से मोर देन 1% रिकवरी होता है तो समझ लो कि 300 का सपोर्ट भी ले सकता है फिर वापस। हाँ मैंने बिंदास 37, 37, 100, 200, 300 के पुट सेल कर दिए थे, क्योंकि जहां से रिवर्स हुआ है वो ही स्ट्राइक सेल करती थी, और फिर बाद में तो आधे घंटे के बाद तो पूरा डीके खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया तो मार्केट। अगर कोई एक्सपायरी खेलता है ना, और दूसरा जहां से रिवर्स हुआ था ना 38,200 वो कॉल भी सेल कर दिए थे मैंने 38,100। अभी एक्सपायरी के दिन मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, सेफ ही खेल रहा हूँ। सेफ मुझे कौन सा स्ट्राइक लगता है, जो रिवर्स हुआ वहां से सेल करो, और जहां से रेजिस्टेंस हुआ, जहां से सपोर्ट लिया वो स्ट्राइक आपको, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है पैसा कमाने की, कम आएगा लेकिन आपके पास पैसा आएगा उसमें। तो मेरा एग्जिट का सिर्फ यही एक था 37,800, जहां से मल्टीपल सपोर्ट विजिट करता है इमीडिएटली सडन आ जाता है, आपको एग्जिट करना ही है। अगर आप प्योर ट्रेडर ही हो तो ज्यादा सोचने का नहीं, अगर मैं निकल जाऊंगा फिर रिवर्स हो जाएगा तो मेरे पुट का प्रीमियम में मुझे लॉस हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ गया तो कितना 10 वाला 500 भी हुआ ना, हाँ फिर वो 200-300 पॉइंट चले जाएंगे, वो कहां से बैक करोगे,
वो 20-30 कम मिलेंगे वो चलेगा। अगर आप प्योर ऑप्शन सेलर हो तो आपको एग्जिट करना ही है। अगर ऑप्शन बायर हो तो थोड़ा मौका ले लेने का, सपोर्ट ब्रेक कर ले, जैसे पुट बाय करके इमीडिएटली बुक भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन बायर में एक ही आप पोजीशन साइज नहीं बढ़ा सकते उसमें, मेन तो वही आप पूरा, अगर आप 5, 10 लाख, 20 लाख, 1 CR, 3 CR, 4 CR उतना फंड आप ऑप्शन बाइंग में एटलीस्ट लगा सकते हो, उससे ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाओगे आप बाइंग में। सेलिंग में आप 100 या 200 CR भी डाल सकोगे, ऑप्शन बाइंग में नहीं डाल पाओगे। अगर जो मैं पैसा आज 5 CR पे कमा रहा हूँ सेल करके, हाँ अगर वो कंपाउंडिंग होता है 50 CR तो एक दिन ऐसा इफेक्ट आएगा ना कि डेली जो मतलब 5 CR पे ऑप्शन बाय करके जो मैं समझ लो कि 1 CR बना लेता हूँ, 2 CR बना लेता हूँ, वो फीलिंग आपको 50 करोड़ पे डेली मिलेगी। लेकिन वो सेलिंग में आप स्केल अप करते जाओगे ना तब मिलेगी, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा वो। और बोलो वो माइक ले लो। माय नेम इज़ धर्मराज सर, और जैनम में सर आपको फर्स्ट टाइम आपका वो लेक्चर देखा था, और तब से आपने बताया था उस तरह से मैं ट्रेडिंग करने का ट्राई करता हूँ। और थैंक्स सर, क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं ये लास्ट के जो जितने भी मंथ गए उसमें 3% में पर मंथ में उससे कर रहा हूँ, तो थैंक यू सर उसके लिए। दूसरी चीज़, मैं नॉर्मली सर ज़्यादातर नॉन डायरेक्शन में थोड़ा कम्फर्टेबल रहता हूँ, और डायरेक्शनल में मुझे अभी उतना ग्रिप नहीं आया सर। मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक कि आपने अभी जो लास्ट रैली गई वो मैंने मिस कर दिए, तो क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से वापस आ सकता है, ठीक है, तो उसको सर हम किस तरह से ये रैली जैसे इस तरह से आ रही है तो उसको कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्शन में, फर्स्ट थिंग मुझे ये जानती थी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जब वीक्स बढ़ रहा होता है तब मैं इंट्राडे ट्रेड्स भी करता हूँ, स्ट्रेडल्स शूट करता हूँ, तो उसको हम किस तरह से सर लॉन्ग वीक्स में किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेडल हो या स्ट्रेंगल हो, ये दो चीज आपसे सीखनी थी सर। देखो ऑप्शन सेलिंग है ना वो इंट्राडे के लिए नहीं बनाया ऑप्शन सेलिंग। अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको कब प्रॉफिट मिलेगा, अगर समझ लो कि आपने पुट सेल किया है तो कब प्रॉफिट मिलेगा, जब ऊपर जाएगा तो ही मिलेगा ना, right. मतलब आप ट्रेंड कैच कर रहे हो तो बेटर क्वालिफाई कर लो ना, ऑप्शन क्यों बेच रहे हो सर। एक्चुअली मैं इंट्राडे में नॉन डायरेक्शनल ज्यादातर रहता हूँ, स्ट्रेडल्स और स्ट्रेंगल्स ही यूज करता हूँ सर, और उसमें फिर जिस तरह से मूव आता है तो उसको उस तरह से एडजस्ट करता रहता हूँ, तो एडजस्टमेंट मेरे जब नॉर्मल वीक्स रहता है तब ठीक था, लेकिन जब ये वीक्स डाउन हो गया था ना उसके बाद मुझे थोड़ी दिक्कत आने लगी, तो वीक्स डाउन हुआ उसके बाद प्रॉब्लम आने लगी सर। एक्चुअली में मेरी वीक्स जैसे कि वो 18 या 20 के आसपास रहता था तब अच्छा सा मैं प्रॉफिट ले पाता था, लेकिन जब ये 17 तक पहुंच गई थी वीक्स 16 के आसपास, उसके बाद दिक्कत ये हुई सर कि डायरेक्शन भी पकड़ रहा था बाजार और वीक्स भी कम हो गई थी, तो उसकी वजह से शायद मुझे ये लास्ट वीक था वो मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ सर उस तरह से। देखो वीक्स कम होता है ना तो प्रीमियम भी कम हो जाता है सर। अभी बैंक निफ्टी में नॉर्मली लास्ट के ना फ्राइडे या फिर मंडे को स्ट्रेडल में 600-650 पॉइंट्स रहता था, अगर आप स्ट्रेडल सेल कर रहे हो बैंक निफ्टी नॉर्मली 200-300 पॉइंट तो मूव देता ही है 1-2 आवर में, तो नहीं देने वाला आपको प्रॉफिट। तो आप ऑब्जर्व करो ना, अगर आप ऑप्शन का अभी मतलब ऑप्शन चेन निकालो यहाँ से लिया सर। सर ऐसा कर सकता है कि जैसे कि लो वीक्स हो रहा है तो हाई वीक्स में, लो वीक्स अगर चल रहा है ना तो आपको डायरेक्शनली खेलना पड़ेगा, नॉन डायरेक्शनल में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, और इंट्राडे में मैं एक्चुअली जैसे स्ट्रेडल्स है जो मैं पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए कर रहा हूं उसको इसको एडजस्ट करता हूं, तो लो वीक्स में मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं, जैसे ऐसा कुछ तरह से मैं डिसाइड कर सकता हूं। जैसे कि देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे के लिए है ही नहीं। ओके सर, वो पोजिशनल आपको डीके जो मिलने वाला है वो पोजिशनली मिलने वाला है और स्लो मोशन में पैसा देने वाला है। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेल कर रहे हो मतलब डायरेक्शन कैच कर रहे हो, मैं तो बोलूंगा सेल करने के बदले ऑप्शन बाय कर लो ऑपोजिट, वही बेटर रहेगा। ओके, अभी देखो 17400 का कॉल 133 चल रहा है और सामने 17500 का कॉल 87 चल रहा है,
समझ लो कि 17400 का कॉल 133 है और ये 141 टोटल 270 पॉइंट्स है। हाँ, अगर 200 पॉइंट मूव करेगा निफ्टी में, 200 पॉइंट्स हो रहे हैं ना मूव तो अभी। हाँ, तो नीचे आप देख लो 17200 का स्ट्रगल क्या चल रहा है वो देख लो। 200 पॉइंट अगर मूव होता है, 17200 का स्ट्रगल कितना चल रहा है, 260 प्लस 70 330 चल रहा है ना। अभी 400 का कितना है, 133 प्लस 140 270, मतलब 200 पॉइंट्स में ही आपका वो स्ट्रगल 60 पॉइंट बढ़ रहा है ना, वही हुआ ना। 17200 का देखो या 17800 का देखो, 17800 का देखो, 17600 का देखो, वो भी 260 प्लस 52 मतलब 310 चल रहा है। मतलब आपको 200 पॉइंट्स मतलब 1% के मूव में भी आपको स्ट्रगल लॉस दे रहा है ये 2 वीक्स में, तो आपको इंट्राडे में डीके मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर 100 पॉइंट्स मूव रहेगा प्लस माइनस 50 रहेगा ना, तब जाके मिलने वाले, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं आज के एनवायरमेंट में, इतना प्लस माइनस 50 तो हो ही नहीं रहा है ना। तो ये लो वीक्स में आप जो स्ट्रगल खेल रहे हैं ना अभी, इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। अगर आप मल्टीपल स्ट्रगल करोगे, मार्केट बैठे रहोगे ना मल्टीपल, मतलब 200 300 400 500 600 और इसके बीच में ही घूमता रहेगा ना, तब जाके आपको मिलेगा ये टाइम में। अगर इसमें तो आपको डायरेक्शन ही खेलना पड़ेगा या फिर पोजिशनल, जैसे कि अभी 188 का डीप आया था और उसके पहले 250 का था, फिर 188 का आया और साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपना 17,000, तो 17,000 का पुट सेल करोगे और जहां से अपना पहले मार्केट 17,800 से गिरा था तो उसके ऊपर का कॉल में बेच के बैठोगे ना और नॉन डायरेक्शनल पकड़ोगे, तब जाके आपको 3 दिन में प्रॉफिट मिलेगा आज की कंडीशन में, क्योंकि अभी प्रीमियम्स बहुत कम हो चुके हैं। हाँ, तो इंट्राडे भूल जाओ कि आपको मिलेगा ऐसा, और वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, नहीं मिल रहा है ना। यस सर, हाँ सर, वेरी गुड। आपको डायरेक्शनली खेलना पड़ेगा। अगर इंट्रा में आप ट्रेंड कैच कर रहे हो तो मैं तो ऑप्शन सेल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई ट्रेंड कैच कर रहा है तो ऑप्शन बाय कर लो ना, क्योंकि आप ट्रेंड ही कैच कर रहे हो ना। एक्चुअली पोजिशनल में तो सब ओके जा रहा है। देखो इंट्राडे की प्रॉब्लम थी सर, जब वीक्स 25 रहेगा और स्ट्रगल का प्रीमियम निफ्टी में 350 से 400 रहेगा, तब आप सेल करोगे तो कुछ मिलेगा उसमें। लेकिन ये टाइम पे नहीं मिलेगा। आपका टोटल प्रीमियम ही इतना कितना है, 270 है, और 100 पॉइंट अभी 100 पॉइंट्स के नीचे का देखो कितना चल रहा है, 17300 का 190 एंड 101 कितना 290 होगा ना, मतलब 270 का 100 पॉइंट्स के मूव में 290 हो रहा है। हाँ, तो आपको कहां से डीके मिलने वाला है, 100 पॉइंट्स के मूव में भी 20 पॉइंट आपको लॉस दे रहा है, प्लस माइनस 50 तो आपके लिए होने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन में ऑप्शन सेल, मतलब ये ऑप्शन लोग बोलते हैं ना कि मेरा स्ट्रगल कितना होगा, मतलब 17400 का मैं सेल कर रहा हूं, 100 पॉइंट का मूव आएगा तो कितना होगा, तो आपको क्या देखना है कि आगे पीछे का स्ट्रगल कितना चल रहा है वो देख लो। आपका वो रेट वही रहेगा, ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट्स कम रहेगा और कुछ नहीं होगा। अभी 17500 का भी देख लोगे तो कितना 193 एंड 87 कितना हुआ, वो 270 से बढ़ गया है ना, तो 100 पॉइंट्स के मूव में भी आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है आज की कंडीशन में निफ्टी में, तो आप बना ही नहीं पाओगे इंट्रा में पैसा। राइट सर, तो आपको डायरेक्शनली पकड़ना पड़ेगा या तो फिर पोजिशनल खेलना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो मतलब ये जब वीक्स कम हो जाता है और प्रीमियम कम हो जाता है ना, तब की कंडीशन है ये। यस, और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं पोजिशनली नॉन डायरेक्शनल या थोड़े टाइम के लिए डायरेक्शनल हो पाता हूँ, पर जैसे कि ये अभी बैंक निफ्टी करता हूँ मैं, और बैंक निफ्टी में जो ये रैली आई उसको मैं सर कैप्चर नहीं कर पाया था डायरेक्शन, क्योंकि मुझे हर एक रेजिस्टेंस पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। नॉर्मली क्या, जब डाउन आता है ना 41,000 से 32,000, जब ऊपर जाता है ना तो सब मिस करते हैं। अच्छा, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे। ओके सर, अच्छा तो इस तरह से आप सर कैसे ट्रेंड कैच करते हैं, जैसे कि 34,000 तक गया था, उसके बाद शार्प फॉल आया था, राइट, और नेक्स्ट डे फिर वो उसके बाद से फिर वो ऊपर गया था, फिर 35,500 से 34,700 तक आया और फिर वापस वो ऊपर गया था। तो इस तरह से आप किस तरह से इसमें ये पूरे ट्रेंड कैच करते हैं, आप मुझे वो पता है कि जैसे कि रेजिस्टेंस पर आप शॉर्ट करते हो पर वापस जब आता है तब हम कॉल भी शॉर्ट करते हैं। तो देखो, हाँ जी सर, ट्रेंड मिस करने का मतलब वो ही मिस करेगा ट्रेंड की मैं रहेगा ऐसा फीलिंग वो ही बंदे को आएगा जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है वो। हाँ, जो वीकली ऑप्शन में मतलब जो ऑप्शन में खेलता है और वो भी सेलर है, उसको चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए या 2000 पॉइंट ऊपर जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको।
ऑप्शन सेलर को, क्योंकि स्ट्राइक हमको सिर्फ स्ट्राइक ही ढूंढनी है। अगर मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी में एक, देखो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ 40 से 50.1% बनाने के लिए, मेरे पास स्किल है तो मैं 100 भी सेल करता हूँ 200 भी करता हूँ। मेरा टारगेट है एटलीस्ट 100 पॉइंट कैच करना बैंक निफ्टी में। फिर बैंक निफ्टी 35,000 या 34,000, अगर समझ लो कि 33,000 से रिवर्स हुआ है और 35,000 चला गया, इन बिटवीन मुझे मल्टीपल सपोर्ट तो मिलेंगे ना, या 34 पे मिलेंगे या 34,500 पे मिलेंगे। 100 पॉइंट वाला मैं जो मुझे प्रोबेबिलिटी हाई दिखेगी वो मैं सेल करके बैठ जाऊंगा, फिर वो चाहे उसको ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया सर आपका पॉइंट, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेडर नहीं हूँ। अगर मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ तो मुझे वो मिसिंग का फीलिंग आएगा कि मैं 2000 पॉइंट मिस कर गया, बराबर, लेकिन मैं फ्यूचर ट्रेडर तो हूँ नहीं। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो कभी ये मत सोचो कि मेरा मिस हो गया, दूसरों का दूसरे के घर घर को देख के अपना झोपड़ी नहीं तोड़ देने का। सर ब्रेकआउट नी ऊपर रेजिस्टेंस नजीक जो दिखाई छे तो त्यां सर तमे ट्रेड लो छो, એટલે એટલું નજીક નું ડિસ્ટન્સ હોય ત્યાં એના માટે? અભી देखो अभी लास्ट 3-4 मंथ से है ना वो ब्रेकआउट, मतलब मोस्टली 80% ब्रेकआउट फेल हो रहे थे लास्ट 3-4 मंथ से, मतलब मार्केट में कंडीशन चेंज होता रहता है। ये केस में अभी कोई भी ऐसा ब्रेकआउट, अभी देखो पहले ऐसे अभी टाटा पावर का एग्जांपल ले लो तो 250 से 290 गया था विद इन 2-3 डेज में, जब ब्रेकआउट आया था तब वो 290 से वापस वो एक दो हफ्ते में वापस 250 के नीचे भी घुस गया, मतलब वो फेल हो गया। ऐसे ही उसके बाद बहुत सारे पैटर्न चले थे, लेकिन उसके बाद M&M में ब्रेकआउट आया 950 के ऊपर, तो मैंने भी वही सोचा कि ये भी फेल हो जाएगा और मिस हो गया मेरा वो भी। तो ये कंडीशन में अगर आपको ऑप्शन सेलर हो, प्योर ऑप्शन सेलर, तो जहां से ब्रेकआउट आता है तो आज के डेट में मैं एक दो दिन वेट करता हूँ कि सस्टेन होता है कि नहीं होता है। जैसे BL में सस्टेन हुआ 255 का ब्रेकआउट, तो आराम से आप 250 का या 245 का बोर्ड जब 260 क्रॉस करता है तो सेल कर सकते हो पैसा बनाने के लिए। फ्यूचर खेलोगे तो देखो 260 से 285 भी गया, लेकिन कल वापस 266 गया, उसमें बहुत सारे निकल जाते हैं। तो बेटर है कि ऑप्शन बेच के पैसा बनाओ, या फिर ये कंडीशन में ब्रेकआउट अगर फेल होते हैं फिर पुल बैक भी नीचे भी आते हैं फिर वापस ऊपर भी जाते हैं, तो ये केस में आप बुल स्पेड भी बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, TVS मोटर का एग्जांपल दे दो, TVS मोटर 900 के ऊपर गया, 940 गया, 910 आया, फिर 40 गया, 20 भी आया, ऐसे ही हो रहा है ना अभी वो। इसमें मैंने सिर्फ जैसे रिजल्ट के बाद जैसे 945 आया ना, मैंने उसमें फ्यूचर में भी ट्रेड लिया था, फ्यूचर में नीचे आ गया तो मैं एग्जिट हो गया 10 पॉइंट लॉस में। फिर क्या किया कि ऊपर नीचे हो रहा था, 920 का कॉल बाय कर लिया और 980 का सेल कर दिया। 920 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो 920 से ही रिवर्स हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मेरा 920 इन द मनी रहेगा, और मेरा हो सकता है कि वो कोस्ट टू कोस्ट पे भी क्लोज आए, और जो 980 में जो टीके मिल जाएगा वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। अगर और ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि मेरा स्ट्राइक का डिफरेंस बहुत है, 34 पे बाय किया और 14 पे सेल करके रखा है, मेरा कोस्ट कितना हुआ 20। अगर वो 940 पे भी क्लोज होता है तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूंगा मैं। अगर उसके ऊपर क्लोज आता है, क्योंकि मैंने बुल स्पेड में इसलिए व्यू लिया मेरा क्योंकि स्टॉक स्ट्रॉन्ग क्लोजेस पे ऊपर जा रहा है, लेकिन वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे एग्जिट हो जाओगे, लेकिन बुल स्पेड में आराम से आपको कुछ दर्द भी नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सिंपल कॉल भी बाय कर सकते हैं ऊपर वाला बेचने का क्यों, लेकिन बाय करके देखो, अगर आप 34 पे बाय करोगे वो 26 भी आया था, अगर अकेला कॉल बाय रहेगा ना आप निकल जाओगे, लेकिन साथ में वो मेरा सेल था ना 14 पे वो 9 पे आया था, तो मुझे कुछ भी मतलब इफेक्ट नहीं आ रहा था दिमाग में कि मेरा लॉस जा रहा है कॉल में ऐसा, क्योंकि साथ में वो भी दे रहा था। बुल स्पीड का मतलब आपका साइकोलॉजी पे, अकेला कॉल रहेगा तो साइकोलॉजी भी इंफेक्ट करेगा, अगर दोनों रहेंगे तो आप बिंदास ट्रेडिंग करोगे। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ आज की कंडीशन में, जो ऊपर नीचे हो रहा है ना सभी स्टॉक, तो बुल स्पीड पे जाओ अगर आपका व्यू बुलिश है, तो अगर बेरिश है तो आप में पुट स्पीड पे जाओ। सिंगल भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप
वही मैं बोल रहा हूँ कि डर के मारे निकल जाओगे, क्योंकि मेरा 34 पे लेने के बाद 26 भी आया था, अगर अकेला मेरा कॉल बाई होता ना तो मैं निकल गया होता, लेकिन साथ में वो सेल था तो आराम से बैठा रहा। आज की डेट में वो अभी फ्राइडे को वो 40 भी था और वो उधर का उधर ही था 14 पे वहां पे, तो मुझे वो बाय में प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये कंडीशन में मैं आपको बुल स्पेड सजेस्ट करूंगा ऐसे टाइम में, मतलब जो वीक्स कम रहता है और स्टॉक बहुत ही ऊपर नीचे बिहेवियर करते हैं, मतलब ब्रेकआउट सस्टेन भी नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे होता है, तो बुल स्पेड पे जाओ आप लोग। सिंगल में खेलोगे वन साइड निकल ही जाने वाले हो आप लोग, क्योंकि कोई नहीं बैठ पाएगा। मैं डायरेक्शनल सिर्फ ब्रेकआउट पे करता हूँ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल पे रहता हूँ, जैसे मैंने जैनम में बताया था ना। बस लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जब मार्केट अपना मूड चेंज करता है, माने डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल आता है, तो वो सर कैसे पता चलेगा? वो डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल इमीडिएटली नहीं आता, वो एक दो दिन में हमको पता चलेगा कि अभी अगर अभी आज के कंडीशन में देखो 16400 से एक डीप आया था एक आध वीक पहले निफ्टी में, उसके बाद सीधा आ गया 17200 डायरेक्ट सीधा गैप अप करके, अभी 200 से लेके 500 के बीच में ही घुस रहा है ना, अभी आप बोल सकते कि ये अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो नॉन डायरेक्शनल बन रहा है अपना, 200 और 500 का रेंज है, तो हम क्या थोड़ा स्मार्ट रहने का 100 और 600 का रेंज पकड़ लेने का और उसके आगे पीछे का स्क्वायर करने का बस। हेलो, actually I am following you since last 3 years, and I have almost read all your tweet, and since 2.5 years I am successful trader, and थोड़ा हिंदी में बोलो ना यार। और मैं last 2.5 years से minimum 4% तो मैं ले रहा हूँ, और last 3 years से मैं अभी काफी सारा knowledge आपसे मिला है। ऑप्शन सेल कर रहे हो क्या? Yes, so thank you। अच्छा है, चलो यार कोई तो मिला मेरे साथ ऑप्शन बेचने वाला। गुड मॉर्निंग बॉस। बोलो बॉस इज ऑलवेज राइट। तो सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, તમે તો ઓપ્શન સેલિંગ મારા માટે ભગવાન છો એવું કહી શકાય, મારે તમારા ઘણા ટાઈમ તમને મળવું હતું, તમને ઘણા મેસેજ પણ કરેલા છે મેં ટ્વિટર ઉપર, બટ તમે લાખો ફોલોઅર્સની વચ્ચે હું ક્યાંય ખોવાઈ ગયો, તો આજે મને ચાન્સ મળે તમને ફેસ ટુ ફેસ વાત કરવાનો। તો સર માય ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે સર વોટ ઇઝ યોર સાયકોલોજી, તમે ટ્રેનિંગ ક્યારે કરો છો? આપ ટ્રેનિંગ કબ કરો? આપની સાયકોલોજી મુજબ શીખની હૈ, જિસ તરહ સે આપ અભી બોલ રહે હો વહી હમ લોગો કો શીખના હૈ। So, आप जब भी ट्रेनिंग करो, I want to be a first student of yours. That is only my request today, sir. देखो, yes, ट्रेड कब लेना है, ट्रेडिंग कब करना है, मतलब आपको लगता है ना कि मेरी ये ट्रेड में मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी है विनिंग की, तब जाके लेने का। अभी सब बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, 37900 के आसपास। हाँ, आप सोचोगे कि चलो मैं पुट बेच देता हूँ 37900 का, हाँ, लेकिन वो क्या वो बेस हो गया ना, आपको पता है कि ऊपर ही जाने वाला है या नीचे ही जाने वाला है, दूसरे नहीं पता ना, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी 90% नहीं बन रही है। लेकिन जो डीप मारा था 37288 थर्सडे को, मतलब 300 राउंड फिगर पकड़ लो, अगर 300 के नीचे पकड़ लो 37000, तो 37000 में मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना विनिंग की, तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा। मैं दूसरे को देख के मेरा ROI बढ़ाने के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे से मुझे ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, वो मैं नहीं देखता। सर हमको यही है साइकोलॉजी सीखनी है आपसे। हाँ, तो बस मैं वही बोला, अभी मैंने बोला ना कि दूसरों का बंगला देख के अपनी झोपड़ी नहीं तोड़नी। बस अगर प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विनिंग की, देखो 37 से लेकर जितने भी नीचे स्ट्राइक है ना उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा चूज करने का कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा ये वीक में चलेगा, वही स्ट्राइक सेल कर दो। अगर आपको 100 रुपीज पे आप सोच रहे कि मुझे 1 रुपया भी मिला, मतलब 1% 50 पैसा मिला तो भी चलेगा, ऐसा स्ट्राइक सिलेक्ट करके सेल कर दो। अगर आप सेटिस्फाइड है तो ऑप्शन सेलिंग में। और सर सेकंड थिंग इज दैट के आप अपना डे प्लान कैसे कर रहे हो, मतलब कि कल अगर मार्केट मंडे को खुलने वाला है तो आप कौन से पैरामीटर्स देखते हो कि मंडे को क्या हो सकता है, जैसे कि आप डाउ फ्यूचर्स देखते हो या फिर जो कमोडिटीज है वो देखते हो या फिर अभी बॉन्ड क्या चल रहा है यूएस का, उस हिसाब से कुछ प्लान कैसे करते हो सर? देखो मार्केट के टाइम पे ना मैं टीवी देखता हूँ, कोई न्यूज इकोनॉमिक न्यूज़पेपर आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी मैं देखता ही नहीं, न्यूज भी नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ जब रिजल्ट कैलेंडर आता है ना तो किस किस का रिजल्ट कब है वही देखता हूँ मैं, कि आज इसका रिजल्ट है वही याद रखता हूँ मैं,
अगर समझ लो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में खेल रहा हूँ, तो जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अपना एसबीआई, मतलब कोटक बैंक, जो बड़े बड़े बैंक रहते हैं, उनके रिजल्ट रहेगा, मेरी पोजिशन नील रहेगी। उनका क्लियर होने के बाद, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो स्टॉक में 10% वो आएगा या 5% आएगा, हम गेस नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। अगर गेस कर रहे हो तो मतलब मैं वही बोला कि आप प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे हो मीनिंग की। देखो अभी मैं सक्सेसफुल हूँ, मतलब आपको एटलीस्ट वेट की, अभी देखो एसबीआई का रिजल्ट है ना, मेरी पोजिशन जीरो है अभी ऑप्शन में। मंडे को ओपन होगा, अभी अपना रेंज क्या चल रहा है, 37,338,200 चल रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई भी रेंज ब्रेक करेगा, मतलब कोई भी रिजल्ट आए, अगर रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है, प्लस माइनस 100 भी खोल रहा है, मेरा काम हो गया कि नॉन डायरेक्शनली चल रहा है, तो मैं आउटसाइड रेंज में कॉल एंड पुट दोनों सेट कर लूंगा। अगर रेंज से, अपना जो रेंज से इन बिटवीन 1% में चल रहा है, तो मतलब 38,200, मतलब 1% कितना, 800 के आसपास, 800-900 या 700, जो भी राउंड फिगर में पकड़ लो, वहां भी ट्रेड करेगा तो मैं स्ट्रैंगल करूंगा। अगर 38,100 के आसपास करेगा ट्रेड तो मैं कॉल नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो रेंज ब्रेक होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अगर वो रेंज से दूर भागता है तब जाके मेरा काम होगा कॉल बेचने का। अगर 100 पे ट्रेड करेगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा रहेगी सेल की, पुट साइड, वो भी कहाँ पे 37,300 का डीप मारा था, उसका थोड़ा मैं सेफर साइड में ही देखूंगा, 37,100-200 ही सेल करूंगा मैं, क्योंकि वहां तक आता है तो मुझे एडजस्टमेंट का मौका मिल जाता है। एटलीस्ट 900-800 के नीचे जाता है, 1% ऊपर से टॉप से नीचे चला जाता है, तो मैं कॉल सेल करना स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं एडजस्टमेंट के लिए। ओके सर, थैंक यू। और ये करोगे ना आप लोग, ये सिंपल है, आपको मैं बोलने में मेरा ये पूरा सिंपल है, लेकिन मेरे पैसे जो बने ना, ये सिंपल से ही बने हैं। मतलब वो जो लोग इंडिकेटर्स लगा रहे हैं ना 5-10, और चार्ट को मतलब सजाते हैं दुल्हन की तरह, ऐसा अपना नहीं है। मेरा चार्ट भी देखोगे सिर्फ विवेक रहेगा, और नीचे वॉल्यूम रहेगा, और ओपन इंटरेस्ट, और कुछ भी नहीं रहेगा मेरे चार्ट के अंदर देखने के लिए। और सिर्फ रेंज में, रेंज डिफाइन कर लूंगा कि ये रेंज है, इसमें ही काम करना है। और वीकली में ही करता हूँ मैं, मंथली में भी मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मंथली में 2 वीक के बाद क्या होने वाला मुझे नहीं पता। पता अगर 2 वीक पहले, अगर मंथली में कोई सोच रहा हो कि मैं 17,000 कॉल सेल करके बैठ जाता हूँ, आ गया ना 17,000 4 दिन के अंदर, हाँ मंथली में अगर कोई करेगा तो, अभी वो क्या करता रहेगा, एडजस्टमेंट ओनली, पैसे तो नहीं बनेंगे। एडजस्टमेंट में सिर्फ वो लॉस रिकवर कर पाएगा, पैसे नहीं बना पाएगा। वीकली में मुझे पता है कि 2 दिन में, एटलीस्ट मैं 2 दिन का मार्केट गेस कर सकता हूँ मैं, 2-3 दिन का, क्योंकि अपना खेल मंडे को चालू होता है और बुधवार को ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है ऑप्शन सेलिंग, वीकली ऑप्शन में, बराबर। तो मंडे को मैं डिसाइड कर सकता हूँ, अगर समझ प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी 37,900 के आसपास है, अगर एसबीआई रिजल्ट के बाद 200 पे ओपन होता है, 5-10-15 आधा घंटा मैं वेट करूंगा, अगर ऊपर जाता है तो मैं सिर्फ पुट ही बेचूंगा। अगर वहां से रिवर्स होता है रिजल्ट आने के बाद, वापस 200 पॉइंट नीचे आ जाता है और सस्टेन हो जाए, तो मैं मेरा काम कॉल बेचना भी चालू हो जाएगा। पेशेंस भी इसमें की है ट्रेडिंग में। आप लोग क्या कर रहे हैं, 9:15 हो गए, 9:16 को ट्रेड ले लो। मैं रही मुझे मिस आउट नहीं करना है, वही फीलिंग आता है लोगों में कि 9:16 को उनका ट्रेड रेट चाहे कुछ भी हो ट्रेड चला जाता है, होता है ना ऐसा। उसमें आपका 50% प्रोबेबिलिटी तो वहां पे आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे मार देते हो ट्रेड कि मुझे ये पुट बेचना है, मुझे ये कॉल बेचना है, जैसे वो 920 वाले स्टेटल सेलर कुछ भी बिना सोचे समझे मार देते हैं अभी आज के डेट में। लेकिन वो एटलीस्ट वो भी चेक नहीं कर रहे, अगर 100 पॉइंट्स का मूव आया तो भी वो स्टेडल बढ़ रहा है ना अभी, और स्टेडल सेल कर रहे हैं 920, तो कहां से मिलने वाला है। इतना ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि 100 पॉइंट्स के मूव में निफ्टी में आप 20 पॉइंट लॉस में जा रहे हो, तो स्टेडल में कहां पैसा मिलने वाला है। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना अपना भी, ऐसा नहीं कि मुझे स्टेडल बेचना है तो स्टेडल बेचते ही जाओ, एवरी डे बेचते ही जाओ। कोई तो ऐसा टाइम आता है ना कि जब आपको 2-3 महीना बेचना ही नहीं है, तो एटलीस्ट आपको ऑप्शन चेन देखोगे, 100 पॉइंट्स मूव में क्या हो रहा है, दूसरा स्टेडल कितना चल रहा है, वो देखोगे, दिमाग लगाओगे, तब पता चलेगा कि आपको बेचना नहीं है ये टाइम पे। जैसे वो भाई बोल रहे हैं कि मुझे अभी लॉस ही जा रहा है स्टेडल में, तो उनको क्या ऑप्शन चेन में 100 पॉइंट्स के मूव में इतना मेरा स्टेडल 20 पॉइंट्स बढ़ रहा है, तो 100 पॉइंट्स निफ्टी तो मूव होता ही है ना आज की डेट में, तो आधे घंटे में हो जाता है ना, तो स्टेडल में कहां प्रॉफिट आने वाला है। तो कंडीशन के हिसाब से खेलो,
मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो, और वो कंडीशन आपको मेरे बोलने से नहीं पता चलेगी, आपको रियल फील करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के साथ, मार्केट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो इसमें कितने सारे लोग 15 साल से भी 10 साल से भी ट्रेड कर रहे फिर भी लॉस कर रहे, कितने लोग है यहाँ पे ऐसा है कोई? देखो क्योंकि आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ मैं भी ट्रेड कर रहा था, मुझे भी लॉस हो रहा था, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरा ये लॉस क्यों जा रहा है। मैं दिमाग लगा के सोचता था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तब जाके मैं ये कंडीशन पे आया हूँ। अभी ये भाई ने बोल दिया कि मुझे स्ट्रेडल में लॉस जा रहा है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन चेन निकाल के देखा कि 100 पॉइंट अगर ऑप्शन चेन में पूरे डेटा है ना कि 100 पॉइंट अगर नीचे जाता है तो 100 पॉइंट नीचे का स्ट्रेडल क्या चल रहा है, 300 चल रहा था 320, अगर मैं 270 पे बेच रहा हूँ और नीचे का स्ट्रेडल ही 300 है तो 100 पॉइंट्स में ऑब्वियसली वो 300 होने वाला ही है, तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही है ना, तो स्ट्रेडल सेल करने का टाइम ही नहीं है ना ये। अब आप ब्लाइंडली दूसरे को देख के बैक टेस्टिंग रिजल्ट देख के सेल करोगे तो क्या होगा? बैक टेस्ट तो वो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि ये टाइम पे नहीं सेल करना है, वो तो वो ऐसा ही बोलेगा ना कि आप पूरे साल में सेल करो आपको 50% प्रोबेबिलिटी विनिंग की, ऐसा ही बोलता है ना वो तो। लेकिन ब्लॉक नहीं करना है, वो हमको आइडेंटिफाई करना है स्मार्ट बन के। गुड मॉर्निंग मित्र सर, આ કોરોના ક્રેશ અને જે આ સ્કેમ સિરીઝ પછી જે 20 થી 25 વર્ષનું જે એજ ગ્રુપ એક આ ટ્રેડિંગ કોમ્યુનિટી બહુ એક્ટિવ યુઝર, અને હું પણ પોતે 23 વર્ષ છું, ટ્વિટરના જે યુઝર અને જે એક આખો એક માહોલ બનાવવામાં આવે છે કે ભાઈ કે તમે આ રીતે પણ શોર્ટ ટર્મમાં આટલું આગળ ઘસી જઈ શકો છો એ બધું ઇલ્યુઝન બતાવવામાં આવે છે, તો કોઈ ડાર્ક સાઈડ જલ્દી રિવીલ નથી કરતું ટ્રેડિંગ કરિયરની? લોસ કોઈ નહીં દેખાય, હા એ ડાર્ક સાઈડ કોઈ બતાવવા નથી માંગતું, અને એક આ એજ ગ્રુપ છે કે એમાં સ્ટડીની સાથે તમે ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છો કે શીખી રહ્યા છો, તો મોસ્ટલી એવું સજેશન બધા આપે કે તમે ભણવાની સાથે વાંચો અથવા ચાર્ટ જુઓ એ બધું કરો, પણ જ્યારે સાયકોલોજીની વાત આવે ત્યારે જ્યારે પોતાના રિયલ મની દાવ પર લાગ્યા હોય ત્યારે જે માઇન્ડ થિંકિંગ હોય અને જે પેપર ટ્રેડિંગ કે એક્સ વાય ઝેડ જોઈને કે એ કરવાની વાત હોય ત્યારે આપણી સાયકોલોજી એકદમ અલગ હોય, ત્યારે કારણ કે ત્યારે આપણા ખિસ્સામાંથી રૂપિયા નથી જઈ રહ્યા, તો તમે આ બાબતે આ 20 થી 25 ગ્રુપના લોકોને શું સજેશન આપવા માંગો છો, અને ભણવાની સાથે અમને શું સ્ટેપ લઈ શકાય કે એ 25 વર્ષ પછી જ્યારે એમના કરિયરમાં આગળ વધે ત્યારે એમને આ પાંચ વર્ષમાં એમણે જે મહેનત કરી કે જે પણ કામ કર્યું એમને નેક્સ્ટ લેવલમાં બૂસ્ટ આપી શક્યો? देखो ये जो 20-25 ईयर्स एज वाले जो अभी जैसे बोला ना कि ट्रेडिंग, मतलब पहले तो मैं बोलूंगा कि पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, क्योंकि ये ट्रेडिंग है ना एक एडिक्शन है, वो ड्रग्स से भी खतरनाक है ये एडिक्शन, क्योंकि एक बार आप घुस गए ना तो निकल नहीं पाओगे इसमें, सबको पता है। क्योंकि इसमें क्यों नहीं निकल पा रहे, अगर लॉस होता है तो वही सोचते हैं कि मैं इधर का पैसा यहां से ही वापस लाऊंगा, वो एक रीजन है, और अंदर घुसते ही जा रहे हैं। प्रॉफिट होता है तो भी नहीं निकल पाएंगे, क्यों? इजी मनी आता है, मतलब ये पूरा एडिक्शन हो ही जाता है, अगर एक बार एंटर हुआ वो कभी भी नहीं निकल पाएगा, मेरा ये एग्जांपल है बराबर। मैंने भी 10-12 साल कंटिन्यूस लॉस ही किया था, और ये तो अच्छा हुआ कि एनएसई ने वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर लिया और मेरा काम हो गया। अगर मंथली ऑप्शन भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मंथली ऑप्शन में क्या एक आध महीना कंसोलिडेशन रहता है तो प्रॉफिट मिल जाता है बराबर, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट आएगा ना उस दिन आप एडजस्टमेंट करते रहोगे और नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, ऐसा ही होता था। तो बेटर कि मैं वीकली ऑप्शन में मैं गेस करता था कि इतने दिन में इतना मूवमेंट आ सकता है, प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पे है, तो मेरे पैसे इजीली अभी वीकली ऑप्शन में बन रहे। और ये 20-25 साल वाले अभी जो लोग बोल रहे, जब तक आप फील नहीं करोगे ना, फील मतलब क्या, अपसाइड डाउनसाइड और कंसोलिडेशन, एक बार नहीं दो बार फील करना पड़ेगा, और दो बार ऐसा फीलिंग आपको एटलीस्ट एक दो साल में नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 4-5 साल तो लगेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें। क्योंकि अभी क्या कोरोना के बाद जो एंट्री लिए लोग, उनको क्या फील आ रहा था कि मार्केट तो ऊपर ही जाता है, वही होता है ना। क्योंकि जब मैंने 2007 में, मैं 2005 में एंटर हुआ था मार्केट में, तो 2005 से लेके 7 तक ऑलमोस्ट 8 तक ऊपर ही गया था मार्केट, तो जब मैं कोई भी स्टॉक लेता था ना ब्लाइंडली ले लेता था, ऐसे भी स्टॉक लिए थे कि जो आज तो दिख भी नहीं रहे बोलो, हाँ वो 50 रुपए वाले
₹100 वाले 500 हो के आज 50 पैसे भी ट्रेड कर रहे, ऐसे भी मैंने स्टॉक लिए थे, क्योंकि वो ब्लाइंड कोई भी लेता था ऊपर ही बढ़ता रहा वो टाइम पे 2005 से 2008, वैसा ही पीरियड था अपना 2020 से लेके 21 वाला। उसमें जो भी एंटर होते हैं ना, जब मतलब नए लोग, उनको क्या लगता है कि बाजार तो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आता, लेकिन जब नीचे आता है ना तब तक उनकी बहुत देर हो जाती है उनके उनकी तरफ से, क्योंकि पैसा पूरा साफ हो जाता है मतलब ऐसे। और फिर जब नीचे आता है ना, फिर उनका माइंड सेट पूरा चेंज हो जाता है कि अब बाजार नीचे जाएगा, फिर रिवर्स होता है ना तब भी देर हो जाती है। फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि वो लोग लॉन्ग भी लेते हैं शॉर्ट भी लेते हैं, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो फेज कौन सा आता है? कंसोलिडेशन। जब ये तीनों फेज आप दो बार फील नहीं करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है नई लोगों को। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ये सब उतने सारे फेज फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अगर वीकली में कर रहे हो तो, क्योंकि आपका काम एक वीक के अंदर हो रहा है। लेकिन जो फ्यूचर में कर रहे हैं शॉर्ट या लॉन्ग, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मार्केट पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4-5 साल तो लगेंगे ही आपको अगर पूरा मास्टर बनना है तो, नहीं तो आप लॉन्ग में तो लॉन्ग में ही रहोगे, शॉर्ट में तो शॉर्ट में ही रहोगे। अभी जो मतलब जो बंदा एंटर हुआ होगा ना 2022 में और मार्केट नीचे जा रहा है ना, उसका साइकोलॉजी एक ही रहेगा कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, रिवर्स होगा ना तो तब तक वो पैसा अपना शॉर्ट में दे भी देगा वापस मार्केट को, अगर बनाया होगा तो भी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जो लॉन्ग में बना लेते हैं, फिर जब रिवर्स आता है ना वो बैठे ही रहते कि रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उनका अकाउंट खाली हो जाता है, फिर वापस जीरो हो जाता है। फिर मेरा ही फ्रेंड अभी देखो, जब अपना रशिया यूक्रेन का हुआ था ना, उसने ऑप्शन बाय करके 20,000 के 10 लाख बना लिए थे। वो ऊपर जाता था ना तो पुट बाय कर लेता था, नीचे जाता था ना तो कॉल बाय कर लेता था, क्योंकि ऐसा ही होता था ना दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन, ऐसा वो ऐसा सोचता था कि अभी बढ़ गए ना तो दूसरे दिन गिरेगा, मैं पुट बाय कर लिया। उसने 20,000 के 10 लाख किए, लेकिन मैंने बोला कि अभी आया ना तेरे पास निकाल के रख दे वहां एक कोने में, वो नहीं माना, वो 10 भी दिए और अपने 5 भी दिए दूसरे, क्योंकि एवरी टाइम वो नहीं चलेगा ना। हाँ, क्योंकि उसको क्या फीलिंग आ गई थी कि अब तो इतना बढ़ गया अब गिरेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था ना, बीच में ऐसी कंडीशन ही आई थी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आता है दूसरे दिन गैप डाउन, तो उसके दिमाग में वो ही घुस गया कि ये जो नए ट्रेडर्स आते हैं ना उनके दिमाग में फिर जैसे अप ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही रहता है, डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही रहता है उनके दिमाग में। जब तक वो फील नहीं करते ना तीनों फेस, तब जाके फिर अगर कोई दूसरा बोलेगा ना कि भाई तू ऐसा मत कर, वो लोग नहीं मानेंगे, खुद फील करेंगे ना तब जाके अकल आती है कि नहीं ये सही कह रहा था। और ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मोस्टली 100% लोगों के साथ यही होता है। जो कुछ लोग जो स्टार्टिंग में कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलता है ना ये नहीं कर रहा है और वो मान जाते हैं ना, तो वो बच जाते हैं एटलीस्ट। अभी मेरे पास देखो 2-3 एग्जांपल ऐसे है कि कॉलेज पास आउट किया, फादर के पास पैसे थे, लेके बैठ गए, ऑप्शन सेल कर रहे हैं और महीने का 4% बना भी रहे आराम से। वो लोग ना फ्यूचर देखते हैं, ना इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं बाय सेल करने के लिए, ना उनको मिस भी होता है कि मेरा इतना मूव रहेगा। अगर उनको लगता है यहाँ से रिवर्स हुआ है और मुझे वीक में 1% मिलता है, सफिशिएंट है। एवरी वीक में आपका रेंज तो बनता है, वीकली ऑप्शन में आपका 1% बनता ही है। अगर आप 1% नहीं बनाना है तो 0.75 इजीली बनता है, लेकिन आपका दिमाग उसके लिए वो लेवल पे लाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस अपने दिमाग में आना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाओगे एक्सेप्टेंस, अगर एक 10 लाख के कैपिटल पे 10,000 प्रॉफिट वीक में, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लगता है 10 लाख के पे 10,000 प्रॉफिट कितने को अच्छा लगता है? क्या सोचते हैं? नहीं 50,000 आना चाहिए, वही सोचते हैं ना। 50,000 मतलब कितना? 5% हुआ महीने में, कितना हुआ कंपाउंडिंग के साथ देखोगे तो 21-22 हो जाएगा, 20% से ज्यादा, बराबर। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी, इसमें बिजनेस वाले लोग कितने हैं यहाँ पे? हाँ, मतलब कोई बंदा ऐसा है कि 1 करोड़ पे बिजनेस कर रहा है? हाँ, अगर वो ऐसा है तो उसका एक्सपेक्टेशन कितना है साल में प्रॉफिट कमाने का 1 करोड़ पे अगर बिजनेस कर रहा है तो? 25 लाख। हाँ, तो कितना परसेंट हुआ? 25 हुआ।
तो इसको भी स्टॉक मार्केट को भी बिजनेस की तरह ही देखो। 25% साल का वो बंदा बिजनेस करके और उसमें उसको गारंटी भी नहीं है कि मैंने उसको पैसा दिया वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो भी गारंटी नहीं है। हाँ, मैंने ये बंदे को पैसा दिया, मेरा मटेरियल सेंड किया, वो गारंटी नहीं कि वो पैसा देगा नहीं देगा। ऐसी इसमें तो आपके पास दूसरे दिन अकाउंट में पैसे आ जाते, ना मांगने जाना पड़ता है ना आपको किसी से भी, सिर्फ पैसा डालो और उसको बिजनेस की तरह देखो। अगर वो जो बिजनेस कर रहे जो लोग साल का वंस ईयर पे 25 लाख मतलब 25% कमाने का सोचते हैं, तो आप इसको भी सिर्फ 25% के हिसाब से ही सोचो मिनिमम एटलीस्ट कमाने का, उसके ऊपर जो आता है ना वो बोनस समझो। इसलिए लोगों को महीने में 10 लाख के कैपिटल पे 25,000 प्रॉफिट आएगा ना तो भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग समझते हैं कि 10 लाख पे 1 लाख इजीली बनता है एक वीक के अंदर, ऐसा ही सोचते हैं ना, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, सिर्फ आपको बटन प्रेस करना है बाय एंड सेल का। इसलिए कोई बोलेगा ना कि 10 लाख पे 10,000 बनाना है उसको पागल समझेगा कोई। मैंने 2019 में ना एक ट्वीट किया था कि 4% एक्सपेक्टेशन रखने का, तो एक बंदे ने मुझे रिप्लाई किया था, मैं तेरे को 4% बनाने के लिए फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मितेश भाई मेरा नाम कल्पेश भावसार है, आपके यही 4% से मैं आपको 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और आपका फेस टू फेस और जैनम वाला वीडियो मैंने देखा है। तो आपके ट्विटर पे जो आपने ब्रेकआउट वाला स्टॉक स्ट्रेटेजी है और ऑप्शन की, उससे मेरा लॉस तो बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल नीली हो गया है, लेकिन आपके ट्विटर के फॉलो के बाद मैं प्रॉफिट में भी आ गया हूँ, और जो 4% वाला स्ट्रेटेजी मैं माइंड में रख के अभी पैसे भी अच्छा कमा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आपको, मेरे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थैंक यू बोलने के लिए मैंने आपने बहुत पूछ लिया दूसरे को। And we do also have a snacks break, guys. 38,037 का हमने सेल किया 1000 नीचे, तो फिर उसमें स्टॉप लॉस कैसे देखना है? अभी देखो ये रेंज आपको मिला था ना 37,300 का, उसके पास आएगा समझ लो कि 37,600 आया, सामने रिवर्स तो हुआ ना 38,200 से, तो मतलब आप कॉल सेल करके एटलीस्ट एडजस्ट कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि रेंज ब्रेक ही कर रहा है तो वन साइड का एग्जिट करके दूसरी साइड में बैठ जाओ। एक वीक ऐसा आएगा कि आपको शायद प्रॉफिट ना मिले वो वीक में, लेकिन जाना नहीं चाहिए बस, मतलब रहना है पूरा जो लाइन है वहां तक खड़े रहना। हाँ, तब तक आप एडजस्ट कर, अगर बीच में आ रहा है तो आप स्ट्रेंगल बना के कर सकते हो, अगर वन साइड जा रहा है तो सिंपल वन साइड बैठ रहे हो, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि 1 लाख में 1 लॉट पुट सेल किया बराबर, सामने कॉल सिर्फ 10 या 20 हजार में सेल करने को मिलता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि 1 लाख से मैं 40 पॉइंट ले रहा हूँ तो 20 हजार में लॉट सेल करके और 40 पॉइंट ले लेता हूँ, ऐसा भी सोचते हैं लोग, लेकिन वो वहां भी उनका लॉस चालू हो जाता है, क्योंकि वन साइड अगर भागने लगता है ना वो 40 वाला 100 हो जाता है, फिर ऐसा ही होता है ना ऐसा, तो मतलब वो ग्रीड नहीं लाने का कि 20 हजार में मुझे लॉट सेल करने को मिलता है मैं कर देता हूँ ऐसा। अगर अपना रेंज जब ब्रेक होता है ना, अपना डिसाइड किया हुआ रेंज, तब तक आराम से बैठे रहो, चाहे वो 40 का एक बार 70 भी क्यों ना हो जाए, वो वापस अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो 70 का वापस नीचे आ ही जाता है, अगर इन बिटवीन आ जाता है तो आप स्ट्रेंगल बना लो। देखो एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि हेज क्या करते हो, मैं हेज बिल्कुल नहीं करता हूं। अगर देखो हेज लोग क्यों करते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट से बचने के लिए बराबर, लेकिन अगर आप वो ब्लैक स्वान इवेंट प्रोबेबिलिटी उसका 10 साल में या 15 साल में कभी भी मतलब ऐसे आता है, वो भी आया तो 10% 20% सर्किट पे, अगर आप एवरीडे हेज करते हो ना, अगर कुछ नहीं हुआ ना, एक साल के बाद आप हेजिंग का कॉस्ट देखोगे ना तो इक्विवेलेंट 1 ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है, मतलब खुद आप
एक ब्लैक स्वान इवेंट को इनवाइट कर दो हेज करके एवरी ईयर, और अगर आपको डर लगता है तो पोजीशन उतना ही लो, केवल अगर निफ्टी 10% भी नीचे जाए ना, देखो ज्यादा से ज्यादा 10% या 15% ना जाए। अगर ये केस में अगर आपको क्या करना है, अगर हेज किसको बोलते हैं कि अगर आपने 50 वाला पुट सेल किया, सामने 2-3 रुपए वाला बाय कर ले तो उसको हेज नहीं बोलते। 37,000 का पुट अगर आपने 100 पे किया है, अगर आपको प्रॉपर हेज करना है तो 36,700 का ऐसा ही बाय करना पड़ेगा आपको। वो केस में आपका वही बोल रहा हूँ कि हेजिंग का कोस्ट देखोगे ना तो इक्विवेलेंट टू 1 ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि मेरा कैपिटल 15% से ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ब्लैक स्वान आने की। तो कैलकुलेट करके दूर का जो स्ट्राइक होता है ना 15% जा पे, अगर 37 का बेच रहा हूं मैं तो 36 पे मेरा इतना हो रहा है तो वो 36 या 35,800 वाला बाय कर दो, या तो फिर 35,500 वाला, अगर आप 1000 क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो 1500 क्वांटिटी 35,500 पे बाय कर लो, 500 क्वांटिटी ज्यादा बाय कर लो, क्योंकि वो रेट भी उसका कम होगा। अगर ब्लैक स्वान आया तो 500 पॉइंट फिर आपका कवर करेगा। वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। चलो भैया, ऐसे और एक साल में अगर कोई एक दो इवेंट आ गए तो फिर मुलाकात होगी।